हेलो एंड वेलकम टू बेसिक माइनिंग बाय शरद सपकाल। ये लेक्चर नंबर 43 है और हम यहाँ टॉप हैमर का जो एक प्रकार होता है जैक हैमर, उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैक हैमर ये टॉप हैमर किस्म की जो मशीनें होती है ड्रिल करने की, जो परकसिव और थोड़ा इसमें रोटरी मोशन भी होता है, उसमें सबसे छोटी और सबसे कम डायमीटर के होल लगाने के काम में आती है। ये मशीन माइंस में ड्राइव्स बनाने के समय हॉरिजॉन्टल होल्स या एंगुलर होल लगाने के काम आती है, या ओपन कास्ट माइन में वर्टिकली डाउनवर्ड होल लगाने के भी काम में आती है। ये एक कॉम्प्रेस्ड एयर ऑपरेटेड होती है अमूमन। हालांकि आजकल कुछ इलेक्ट्रिक जैकहैमर भी आई हुई है जो सिविल वर्क में मैक्सिमम इस्तेमाल होती है। इसमें जो ड्रिल होता है या मशीन होती है उसको एयर सप्लाई की जाती है एट हायर प्रेशर, 6 से 7 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर के प्रेशर से हवा जाती है उसके अंदर, करीबन 90 to 100 PSI, और वहाँ एक वॉल होता है जिससे एयर को सिलेंडर के ऊपर के भाग में और नीचे के भाग में अल्टरनेटिवली डायरेक्ट किया जाता है, ताकि जब ऊपर के भाग में सिलेंडर के जाएगी एयर तो पिस्टन को वो नीचे ढकेले, और जब वो नीचे के भाग में जाएगी तो पिस्टन को वो ऊपर ढकेले। तो इस प्रकार से एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन पिस्टन को देने के लिए इस वॉल का इस्तेमाल होता है। ये जब हैंडहेल्ड हम इस्तेमाल करते हैं तो वर्टिकली डाउनवर्ड होल लगाने के काम में आता है, ताकि एक्सर्शन ना हो ड्रिलिंग करने वालों को। ड्रिल का वजन जो है 15 से 25 केजी के आसपास होता है, और इसमें जो होल्स लगाए जाते हैं वो 30 से 38 mm के डायमीटर के लगाए जाते हैं। कुछ रेयर कंडीशन में 50 mm के होल भी इससे लगाए जा सकते हैं। उस सूरत में इसमें जो ड्रिल रॉड होती है उसके अंदर ही थ्रेडिंग की व्यवस्था होती है, और उसके अंदर एक बिट को थ्रेड किया जाता है। ड्रिल रॉड स्टील की बनी होती है, हेक्सागोनल इन क्रॉस सेक्शन होती है, और उस शैंक कहलाता है इस सिरे को, कहता है इस सिरे को, और ये शैंक चक के अंदर एंटर होता है, जो मशीन के अंदर चक लगा होता है उसके अंदर ये जाकर के फिट होता है, और जब चक घूमता है तो ये रॉड भी घूमती है, और जब पिस्टन इसको हैमर करता है यहाँ ऊपर तो ये ऊपर नीचे होती है। तो ड्रिल रॉड जो है ये डिटैचेबल, इसके अंदर टंगस्टन कार्बाइड के बिट भी लगाए जा सकते हैं, या उस रॉड के अंदर इंटीग्रल पार्ट भी बिट का होता है, जो ये आपको दिख रहा है चीजल शेप का, तो ये एक इंसर्ट होता है टंगस्टन कार्बाइड का, बहुत हार्ड मटेरियल का। इसको ऑयलिंग करने के लिए पिस्टन सिलेंडर और ये तमाम पार्ट्स को जो एयर है वो एक लुब्रिकेटर के थ्रू पास होती है, जिसके अंदर वेंचुरी सिस्टम से एयर के अंदर ऑयल मिक्स होता है और आगे मशीन तक पहुंचती है। इसमें वेट ड्रिलिंग भी संभव है, इसके अंदर एक वाटर ट्यूब डाल करके इसमें वेट ड्रिलिंग भी की जा सकती है, ताकि डस्ट की प्रॉब्लम ना हो। एयर कंजम्पशन इसका 2 से 2.5 m³ ऑफ फ्री एयर पर मिनट होता है, और एक शिफ्ट में 8 घंटे की करीब 60 होल 1.5 से 1.5 m² के आसपास के, या 1 से 1.5 m² के आसपास के सामान्य रॉक कंडीशन में लगाए जा सकते हैं। स्टोपर ये एक यही मशीन है, लेकिन उसकी माउंटिंग कुछ ऐसी होती है एक एयरलेक पर कि वो वर्टिकली अपवर्ड होल लगा सके। उसी प्रकार जो आपको हॉरिजॉन्टल या थोड़े इंक्लाइंड होल लगाने हो तो उसके लिए एयरलेक नाम की चीज होती है, और एयरलेक के ऊपर इसकी माउंटिंग होती है, ताकि लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आए काम करने के समय पर, और मशीन का जो वजन है वो एयरलेक सहन कर सके। उस एयरलेक में एक सिलेंडर होता है, उसका भी एक वॉल होता है, जो उस एयरलेक के अंदर जो मशीन लगी हुई है उस मशीन को ऊपर नीचे कर सकता है और उसको सपोर्ट भी कर सकता है। तो इससे ऑपरेटर को उतनी कठिनाई नहीं होती है, और ये जो एयरलेक है ये कॉन्स्टेंटली रॉड को प्रेस करके रखता है इन द होल, ताकि उसकी प्रोग्रेस आगे चलती रहे। तो स्टोपर वर्टिकली डाउनवर्ड अपवर्ड के लिए होते हैं,
ये एयर लेग हॉरिजॉन्टल होल्स के लिए, और डाउनवर्ड के लिए किसी प्रकार के ऐसी व्यवस्था की जरूरत नहीं होती है, आप वैसे भी होल लगा सकते हैं। और मशीन का जो वजन है वो खुद ही एक प्रेशर देने का काम करता है। इस फिल्म में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कॉम्प्रेस्ड एयर पिस्टन के एक ऊपर के सिरे में जाती है और वो पिस्टन को ऊपर से नीचे ढकेलती है, उसके बाद में वाल के माध्यम से वही एयर कॉम्प्रेस्ड एयर पिस्टन को ऊपर ढकेलती है सिलेंडर के निचले हिस्से में जाके, और इस प्रकार से एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन वहां तैयार हो जाता है। और इस प्रकार से ये जैकहैमर ऑपरेशन आपको दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत वाइब्रेशन होता है। इस तस्वीर में आप देखिए कि ये ड्रिल रॉड्स है और ये आगे बिट, इसके अंदर इंसर्टेड बिट है, यानी इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रॉड, और ये उसका शैंक है जो मशीन के अंदर जो चक्र लगा हुआ है उसके अंदर इंसर्ट होता है। ये देखिए कि ये स्टोपर है और इस स्टोपर में मशीन लगी हुई है। ये मशीन ऊपर नीचे होती है क्योंकि ये स्टोपर जो है ये भी सिलेंड्रिकल है और इसके अंदर भी एक पिस्टन होता है, तो वॉल के माध्यम से हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो मशीन भी ऊपर नीचे होती है। उसी प्रकार ये एयरलेग है और ये एयरलेग के सहायता से ये व्यक्ति ड्रिलिंग कर रहा है। इस एयरलेग में भी पिस्टन सिलेंडर है और इस वॉल के यहाँ एक वॉल होता है जो एयरलेग के अंदर हवा को रेगुलेट करे, और इस प्रकार से ये इसको सपोर्ट भी करता है मशीन को, क्योंकि मशीन काफी हेवी होती है और ये कॉन्स्टेंटली पुश करके भी रखता है। एयरलेग की फोटो है, ये देखिए ये व्यक्ति ड्रिलिंग कर रहा है, कुछ ऐसी ही संरचना वहां पर होती है खदान के अंदर। जैकहैमर की अंदर की कंस्ट्रक्शन थोड़ी जटिल होती है, इसमें छोटे बड़े मिलाकर कुल 60 पार्ट्स लगते हैं। इसमें एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर एक पिस्टन ऊपर नीचे होता है। यहाँ ये जो मशीन दिख रही है यहाँ पर ये एक वॉल है, थ्रॉटल वॉल जिसे कहते हैं, यहाँ से एयर एंटर होती है एक स्विवल कनेक्शन के थ्रू होस पाइप से, और ये अंदर एंटर करती है। थ्रॉटल वॉल का मकसद ये है कि आप रोटेशन की और हैमरिंग की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं बाय रेगुलेटिंग द एयर, कम ज्यादा एयर डालने से उस प्रकार से वो ऑपरेशन भी ज्यादा स्पीड या कम स्पीड में होगा। जैसे ही ये एयर एंटर करती है यहाँ पर एक राइफल बार होती है, वहाँ पॉल्स होते हैं, ये देखिए राइफल बार है, इसमें ये पॉल लगे हुए हैं, और ये एक व्हील है जिसे रैचेट व्हील कहते हैं। इसमें रचना कुछ ऐसी है कि ये जो पॉल्स है ये ऑलवेज अगेंस्ट दिस रैचेट व्हील प्रेस्ड रहते हैं, और ये रैचेट व्हील इसको एक ही दिशा में रोटेट करने के लिए बाध्य करता है, दूसरे दिशा में ये रोटेट नहीं हो सकता है। तो एयर जैसी ही अंदर एंटर होती है तो सिलेंडर के अंदर एयर एंटर होती है और पिस्टन को नीचे धकेलती है। ये जो यहाँ एक ऑटोमेटिक वॉल अंदर लगा हुआ है यह अल्टरनेटिवली सिलेंडर के निचले और ऊपर के भाग में छोड़ता है एयर को, और इससे पिस्टन ऊपर नीचे होता है। जब पिस्टन नीचे आता है तो पिस्टन का जो नीचे का हिस्सा है जिसे स्टेम कहते हैं, ये जाकर के जो ड्रिल रॉड का शैंक है यानी वो हिस्सा जो चक के अंदर फंसा हुआ है उसको हैमर करता है, और जैसे ही वो उसको हैमर करता है तो ये हैमरिंग मोशन होल तक के ट्रांसमिट होता है। जो पिस्टन का ऊपर का हिस्सा है इस तरफ का, इसमें एक राइफल नट लगा हुआ है, और वो राइफल नट, ये यहाँ राइफल नट है, और वो राइफल नट के अंदर जो स्लॉट्स है या स्प्लाइंस है वो थोड़े सीधे न होते हुए ट्विस्टेड रहते हैं, और ये राइफल नट एक राइफल बार, जैसे कि ये वाला जो दिख रहा है ये राइफल बार है, इसके ऊपर के भी वो स्लॉट्स ट्विस्टेड है और ये नट इस राइफल बार के अंदर फिट होता है। जब ये एयर सिलेंडर के बॉटम पोर्शन में आती है और पिस्टन को ऊपर ढकेलती है तो पिस्टन के ऊपर के हिस्से में जो लगा हुआ नट है वो नट, राइफल नट, वो राइफल बार के ऊपर स्लाइड करता है, लेकिन वो उसको चूंकि उसके ट्विस्टेड स्लॉट्स है तो वो घुमाने की कोशिश करता है उसको राइफल बार को,
लेकिन राइफल बार पॉल की अरेंजमेंट की वजह से वहाँ रैचेट व्हील के अंदर फिक्स्ड है, तो वो घूमता नहीं है, और इन टर्न जो पिस्टन है उसके ऊपर जो नट लगा हुआ है राइफल नट, तो वो उस पिस्टन को मूव करने के लिए बाध्य करता है। तो दिस इज हाउ, जैसे ही पिस्टन ऊपर जाता है तो उस समय पर एक हल्का सा रोटेशन उसको मिलता है डिपेंडिंग ऑन दी जो स्लैंटिंग पोजीशन ऑफ दी स्लॉट्स। तो राइफल बार को जो घूमने से रोक लेता है रैचेट और वो पॉल प्लंजर की अरेंजमेंट्स। जब ये नीचे हैमर करता है तो पिस्टन का जो निचला हिस्सा है वो स्टेम जो स्टेम कहलाता है, और वो जो चक ड्राइवर के अंदर उसमें भी स्लॉट्स लगे हुए हैं, और वो चक ड्राइवर के अंदर चक है जिसके अंदर ड्रिल रॉड है। तो जब पिस्टन नीचे आता है तो वो शैंक के ऊपर हैमर करता है। जब रोटेशन होता है पिस्टन का राइफल बार की वजह से और राइफल नट की अरेंजमेंट की वजह से, तो जो चक ड्राइवर है वो पिस्टन के साथ एंगेज्ड है, और वो चक ड्राइवर भी घूमता है, साथ में चक भी घूमता है और रॉड भी घूमती है। तो जैसे ही ऊपर जाएगा उस टाइम पर रोटेशन होता है, और इस प्रकार से ये ऊपर और नीचे एयर के जाने से इस रॉड के अंदर हैमरिंग और रोटरी एक्शन होती है। ये देखिए, ये कुछ पार्ट्स दिखाए गए हैं। ये एक रैचेट व्हील है, और ये कुछ बॉल्स है, ये राइफल नट है। इसी के अंदर जो ये स्लॉट्स है इसमें ये पिस्टन का ये वाला हिस्सा लगा रहता है, जबकि पिस्टन का निचला हिस्सा ये स्टेम कहलाता है, और यही शैंक के ऊपर हैमरिंग करता है डाउनवर्ड स्ट्रोक के समय पे। ये सिलेंडर है, ये कुछ बहुत सारे छोटे मोटे पार्ट्स इसके अंदर है, लेकिन ये जो है ये चक है जिसके अंदर ड्रिल रॉड फंसती है। ये राइफल बार है, ये राइफल बार का ये जो हिस्सा है वो राइफल नट के साथ एंगेज होता है, जो कि राइफल नट यहां पर लगा हुआ है ये वाला। तो इनके ऊपर ये देखिए स्लैंटिंग स्लॉट्स बने हुए हैं, इसी से ये मोशन इसको मिल पाता है। तो इस प्रकार से इसका एक कंस्ट्रक्शन है, और डिपेंड करता है कितने ब्लोज एक मिनट में आएंगे, स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक शॉर्ट में मैंने इसके कंस्ट्रक्शन को आपको एक्सप्लेन किया है। हम लोग इसके बाद लेक्चर नंबर 44 की तरफ जाएंगे, और उसमें भी हम लोग जो मशीनें होती है टॉप हैमर वाली उसको डिस्कस करेंगे। वो टॉप हैमर मशीनें, उनकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल जैक हैमर जैसी होती है, सिर्फ वो थोड़ी हेवी ड्यूटी होती है, जिसमें हम बड़े डायमीटर के होल 100 120 mm तक के लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।